हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल JBR ऑनलाइन क्लासेस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। यू कैन आल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर द अदर्स चैप्टर। द वेबसाइट लिंक इज इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 1.2। मैंने पहले भी एक वीडियो किया था जिसमें 1.2 का 1 to 10 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 11 से। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है सम नंबर 11, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर देखिए नंबर जो दिया हुआ है, नंबर उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो नंबर 5 है, 5 के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी 1, देन नंबर 10 इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी 8, 15 फ्रीक्वेंसी 12, 20 फ्रीक्वेंसी 11, 25 फ्रीक्वेंसी 7 एंड 30 फ्रीक्वेंसी 3। ओके, तो मुझे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे पहले यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहता है, फर्स्ट वन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फर्स्ट वन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों में सेम वैल्यू होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में जो फर्स्ट नंबर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट नंबर सेम होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 के साथ 8 ऐड करना है। ओके, मैंने जो यहाँ पर एरो दिया है, आपको एरो देने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एरो यूज़ किया है। सो 1 + 8 = 9 हो गया। उसके बाद 9 + 12, अब 9 के साथ हम 12 ऐड करेंगे 21, फिर 21 के साथ 11 ऐड करेंगे 32, 32 + 7 = 39, 39 + 3 = 42, सो लास्ट वन इक्वल टू n, दैट मीन्स n इक्वल टू 42, क्लियर। अब देखिए n का वैल्यू इवन भी हो सकता है, n का वैल्यू ऑड भी हो सकता है। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर n का वैल्यू इवन हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 42, अब 42 एक इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर के लिए हम मीडियन का एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मीडियन इक्वल टू इवन नंबर के लिए n बाई 2/8 ऑब्जर्वेशन। ओके, इसके साथ n बाई 2 + 1/8 ऑब्जर्वेशन, फिर डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, सिर्फ इवन नंबर। अगर n इक्वल टू इवन नंबर आपके पास है तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अब देखिए n by 2 का मतलब क्या होता है, 42 इसके बाद by 2, that means 21. So 21 के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर देखना है आपका नंबर कितना है। ओके, 21 के रिस्पेक्ट में नंबर कितना है, तो 21 कहाँ पर है, यहाँ पर 21 दिया हुआ है, 21 के रिस्पेक्ट में नंबर दिया हुआ है 15। उसके बाद n by 2 + 1, इसका मतलब 22। अब 22 के रिस्पेक्ट में नंबर कौन सा है, नंबर है 20, क्योंकि देखिए 21 तक हो गया 15, अब 22 से 32, ओके 22 से 32 जितना भी नंबर इसके यहाँ पर है उसका आंसर आपको लिखना होगा 20। 22 आ गया तो 20 होगा, 23 20 होगा, 24th ऑब्जर्वेशन 20, 25th ऑब्जर्वेशन 20, अप टू 32 इथ ऑब्जर्वेशन योर आंसर इज 20। तो मेरे पास यह पहले यहाँ पर 21 ऑब्जर्वेशन, दैट वन इक्वल टू 15, उसके बाद 22 सेकेंड ऑब्जर्वेशन, दैट वन इक्वल टू 20 by 2, सो इट्स 35 by 2। ओके, सो योर आंसर इज 17.5, सो द मीडियन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 17.5। Now next one, sum number 12. In sum number 12, calculate the median of the following data. तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे height, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे frequency,
उसके बगल में हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हाइट यहाँ पर इंटरवल में दिया हुआ है 135 to 140, फ्रीक्वेंसी 4, फिर उसके बाद 140 to 145, फ्रीक्वेंसी 9, देन 145 to 150, फ्रीक्वेंसी 18, 150 to 155, फ्रीक्वेंसी 28, 155 to 160, फ्रीक्वेंसी 24, देन 160 to 165, फ्रीक्वेंसी 10, एंड लास्ट वन 165 to 170। ओके, बुक में यहाँ पर दिया हुआ है 175, बट वो गलत दिया हुआ है, 165 to 170 होगा। ओके, एंड दैट वन इक्वल टू 7। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल आपके पास है, जो हाइट दिया हुआ है वो एक क्लास इंटरवल है, 135 से लेके 140 तक, फिर उसके बाद 140 से 145। अब देखिए यहाँ पर जो अपर लिमिट और यहाँ पर जो सेकंड में जो लोअर लिमिट, दोनों इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर इंटरवल कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो एकदम ठीक ठाक है, आपको सॉल्व करना है। अगर कंटिन्यूअस में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब पहले मान लीजिए आपको 135 टू 140 दिया हुआ है, इसके बाद 141 से लेके 145 तक, तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग है, तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। जब आपके पास डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में। ओके, अगर बाद में कोई डिसकंटिन्यूअस वाला प्रॉब्लम आ गया तो हम उसको सॉल्व करके समझा देंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सो फर्स्ट वन विल बी सेम, मैंने पहले क्या था, फिर उसके बाद 4 + 9 होगा, 4 के साथ हम 9 ऐड करेंगे, सो हो गया 13। ओके, अब इसके बाद 13 के साथ हम 18 ऐड करेंगे, सो 1 and 3, सो 31। अब 31 के साथ हम ऐड करेंगे 28, दैट वन इक्वल टू 59, इसके साथ ऐड करेंगे 24, 83, फिर 10, 93, और फिर 700, सो n इक्वल टू 100, इसका मतलब फिर से यहाँ पर इवेन आ गया। अब देखिए जो पहला वाला प्रॉब्लम था, वहाँ पर कोई क्लास इंटरवल नहीं था, इसीलिए मैंने मीडियन का एक अलग फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो इसके लिए मीडियन का अलग एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो पहले आपको यहाँ पर मीडियन क्लास निकालना है। ओके, क्या निकालना है, मीडियन क्लास। तो पहले देखते हैं मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। पहले आपको यहाँ पर एन बाई टू का वैल्यू निकालना है, एन बाई टू का वैल्यू हो गया 50। ओके, अब यहाँ पर आपको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 का वैल्यू किस क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 32 से लेके 59 तक, ओके, 32 से लेके 59 तक पूरा वैल्यू इस क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब 50 के लिए आपका क्लास इंटरवल होगा 150 से लेके 155 तक। तो मीडियन क्लास आपको मिल गया, दैट इज 150 to 155। ओके, दिस इज योर मीडियन क्लास। अब चलिए मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। आई रिपीट, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यहाँ पर दिया हुआ है 150 से लेके 155, इसका मतलब लोअर लिमिट हो गया 150 और अपर लिमिट होता है 155। तो यहाँ पर एल की जगह 150 लिखेंगे, एन बाई टू, इसका मतलब 100 by 2, दैट इज 50। अब सी एफ कौन सा लेना है, तो पहले आप यहाँ पर मीडियन क्लास को मार्क करेंगे। मीडियन क्लास मार्क हो जाने के बाद मीडियन क्लास के ठीक ऊपर जो
आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी योर सी एफ। आई रिपीट, मीडियन क्लास के ठीक आगे वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसके पैरेलल नहीं, उसके आगे वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास है, दैट विल बी योर सी एफ। एंड एफ कौन सा है? मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आपको एफ लिखना है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इसको लिखना है। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए प्रीवियस वाला चूज करेंगे और फ्रीक्वेंसी के लिए मीडियन क्लास वाला ही चूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 31 और एफ की जगह लिखना है 28। नाउ एच, एच का मतलब होता है क्लास हाइट। क्लास हाइट का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 155 माइनस 150, दैट विल बी 5। ओके, तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 50 माइनस 31 19 डिवाइडेड बाय 28 0.678 इंटू 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वन इक्वल टू 150 प्लस 3.39। सो फाइनल आंसर 153.39 अप्रॉक्सीमेट। नाउ द नेक्स्ट वन, सम नंबर 13। सम नंबर 13 इज एज सिमिलर एज सम नंबर 12, सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस वन। सो मूव ऑन टू सम नंबर 14। तो सम नंबर 12 सॉल्व करने के टाइम में मैंने बोला था जो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस इंटरवल होता है। तो सम नंबर 12 एंड 13 में कंटिन्यूअस इंटरवल था, बट यहाँ पर सम नंबर 14 में डिसकंटिन्यूअस इंटरवल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 32 to 35, फिर इसके बाद दिया हुआ है 36 to 38, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। 35 के बाद 36 आ गया, फिर 39 to 41, उसके बाद 42 to 44 एंड देन 45 to 47। तो पहले आपको क्या करना होगा, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास लोअर लिमिट है, जैसे फर्स्ट में लोअर लिमिट कितना है 33, अपर लिमिट कितना है 35, तो लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा 32.5। अपर लिमिट के साथ 0.5 ऐड करना है, तो हो जाएगा 35.5। ओके, फिर से बोल देता हूँ, लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट के साथ 0.5 ऐड करना है। तो नेक्स्ट वन 35/5, 38.5। अब देखिए आपके पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल आ गया। नेक्स्ट वन 38.5, 41.5, 41.5, 44.5, 44.5 और 47.5। तो पहले मेरा क्लास इंटरवल जो था, क्लास इंटरवल को मैंने यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी लिखना है 17, इसके बाद 19, फिर 23, 21 एंड 27, बुक में दिया हुआ है। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, फर्स्ट नंबर विल बी सेम विथ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड नंबर आपको ऐड करके निकालना है। सो 17 प्लस 19, अब 19 के साथ ऐड करेंगे 36, फिर 36 प्लस 23, 59, फिर उसके बाद ऐड 21, 80, फिर उसके साथ ऐड 27, 107। नाउ यहाँ पर एन आपके पास अब ऑड आ गया, लास्ट में इवेन था, अब यहाँ पर आपके पास ऑड। ओके, इवेन और ऑड आ गया, बट देखिए यहाँ पर जब आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल में इवेन ऑड कोई मायने नहीं रखती। ओके, क्योंकि इवेन और ऑड का एक ही फॉर्मूला होता है। जब आपके पास क्लास इंटरवल नहीं दिया होगा, तब आपको इवेन और ऑड को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले
सॉरी, उसके बाद पहले हम एन बाई टू का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एन बाई टू के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे मीडियन क्लास. सो दैट वन इक्वल टू 53.5. अब 53.5 कहाँ पर हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब मीडियन क्लास हो गया 38.5 से लेके 41.5. ओके, सो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, मीडियन का फॉर्मूला हो गया. तो यहाँ पर एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. एन बाई टू वैल्यू आपके पास है, सी एफ, सी एफ होता है मीडियन क्लास के ठीक आगे वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी योर सी एफ. और फ्रीक्वेंसी होता है मीडियन क्लास के बगल में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, दैट विल बी योर एफ. तो चलिए आप वैल्यू पुट करते हैं. एल हो गया 53.5, सॉरी 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 सॉरी, एल हो गया लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पर है 38.5. एन बाई टू का वैल्यू हो गया 53.5, सी एफ हो गया 36, फ्रीक्वेंसी 23, और हाइट, क्लास हाइट का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दैट विल बी 3. क्लियर? 41.5 माइनस 38.5, दैट वन इक्वल टू 3. तो पहले हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 53.5 माइनस 36 इंटू 3 करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे 23 से, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.28. अब इसको ऐड करेंगे इसके साथ 38.5 के साथ. सो मेरा फाइनल आंसर 40.78 अप्रॉक्सीमेट. ओके, 40.78 approximate. Now next one, sum number 15. अब देखिए sum number 15 और sum number 14 similar problem दिया हुआ है. Okay, sum number 15 and sum number 14 similar problem, but यहाँ पर दो question दिया हुआ है. First question, find the median number of heads. तो पहले आपको solve करना है, वहाँ से median का value निकालना है. तो मीडियन का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8.94. ओके, मीडियन का वैल्यू आपको मिलेगा 8.94. तो मीडियन का वैल्यू आपको 8.94 मिल गया, ये आपका पहला आंसर हो गया. अब जो दूसरा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ टेल्स. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है 19 कॉइन्स. ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ यहाँ से 8.94 को 19 से सब्ट्रैक्ट करना है और आपको आपका सेकेंड आंसर मिल जाएगा. सो सम नंबर 15 के लिए सम नंबर 14 सिमिलर टाइप प्रॉब्लम है. तो 14 जैसे मैंने सॉल्व किया था, सेम टू सेम आपको सम नंबर 15 सॉल्व करना है. यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल को चेंज करना है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है उसको आपको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है. फिर सॉल्व करने के बाद आपको मीडियन मिल जाएगा. तो हम सम नंबर 16 सॉल्व करेंगे. अब सम नंबर 16 में जो आपके पास टेबल दिया हुआ है, टेबल को आपको पहले ध्यान से देखना होगा. यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स अप टू 10 का मतलब होता है 0 to 10. ओके, अप टू 10 का मतलब 0 to 10, इसका मतलब यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखा नहीं है, बट आपको क्लास इंटरवल की तरह आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे अप टू 10 इसको हम लिखेंगे 0 to 10. इसके बाद दिया है अप टू 20, इसको हम लिखेंगे 10 to 20. फिर उसके बाद 20 to 30, फिर उसके बाद 30 to 40, और लास्ट में 40 to 50. अब एक चीज़ यहाँ पर आपको लिखना है. दूसरा में दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट. अब अप टू 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. बट जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है. क्या? यहाँ पर दिया हुआ है अप टू 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 11. अब देखिए अप टू 20, इसका मतलब 0 to 20 में टोटल स्टूडेंट 11 है, और मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया था 0 to 10 में कितना स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है. तो 3 स्टूडेंट 0 to 10
इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। अब 0 टू 20 के अंदर 0 टू 10 का भी स्टूडेंट ऐड हो रहा है, इसका मतलब इस यहाँ पर जो 11 स्टूडेंट दिया हुआ है, इस 11 स्टूडेंट में जो 0 टू 10 का 3 स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर ऐड है। तो आपको यहाँ पर 3 को 11 से सब्ट्रैक्ट करके लिखना होगा, क्योंकि 10 टू 20 का मतलब होता है हम सिर्फ यहाँ पर 10 टू 20 तक ही काउंट करेंगे। तो पहले जो 3 स्टूडेंट आपके पास थे उस 3 स्टूडेंट को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके 8 लिखेंगे। इसके बाद देखिए अप टू 30 में दिया हुआ है 28 स्टूडेंट, और अप टू 20 में कितना था 11 स्टूडेंट, तो 28 से 11 को सब्ट्रैक्ट करके 17 लिखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हम एक के बाद एक ऐड करते हैं, यहाँ पर एक के बाद एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। अप टू 40 में था 48 स्टूडेंट, तो 48 से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट वन इक्वल टू 20। फिर इसके बाद अप टू 50 में था 70 स्टूडेंट, यहाँ से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 22 हो गया। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लिया है पहले, इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3, फिर इसके बाद 11 जो 28, फिर इसके बाद यहाँ पर 48 और फिर 70। इसका मतलब जो नंबर आपको गिवन दिया हुआ था यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, मैंने उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। अब मुझे यहाँ पर n बाई 2 निकालना है, सो दैट मीन्स 70 बाई 2, एंड दैट वन इक्वल टू 35। अब 35 के लिए मीडियन क्लास है 30 टू 40, क्योंकि 35 इस रेंज में लाई कर रहे हैं। सो 20 हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी और 28 हो गया मेरा CF। अब मीडियन का फॉर्मूला L प्लस N बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो L हो गया यहाँ पर 30, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 35, 28, F हो गया 20 और हाइट हो गया मेरा 10, 40 से 30 तक, सो 10। सो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 30 प्लस। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, 35 से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, सो 3.5। योर फाइनल आंसर 33.5। ओके 33.5, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अब चलेंगे सम नंबर 17 में। अब सम नंबर 17 में यहाँ पर क्लास इंटरवल पहले से ही लिखा हुआ है, सो हम यहाँ पर क्लास इंटरवल को पहले यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। सो 40 हो गया, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखना है 4, 28, स्मॉल ए, अच्छा यहाँ पर स्मॉल ए 20, स्मॉल बी 16। यहाँ पर इसका मतलब दो फ्रीक्वेंसी आपके पास मिसिंग दिया हुआ है। और यहाँ पर मीडियन का वैल्यू पहले से ही बोल दिया 41.5, और टोटल फ्रीक्वेंसी इसका मतलब इन टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दिया हुआ है। ओके तो हम यहाँ पर पहले CF को निकालेंगे, सो CF फर्स्ट वन विल बी सेम 4, फिर उसके साथ 28 ऐड करेंगे 32, फिर 32 के साथ A ऐड करेंगे 32 प्लस A, इसके बाद 20 ऐड करेंगे 52 प्लस A, फिर B को ऐड करेंगे 52 प्लस A प्लस B, और लास्ट में 16 ऐड करेंगे 68 प्लस A प्लस B, दैट वन इक्वल टू N। इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 100 लिखा हुआ है, सो 68 प्लस A प्लस B इक्वल टू 100। तो A प्लस B 100 माइनस 62 32, 100 माइनस 68 32। ओके सो 32 यहाँ पर आ गया। अब मुझे यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी 100, सो n बाई 2 इक्वल टू 50। सो पहले मुझे यहाँ पर मीडियन क्लास निकालना है। अब देखिए 32 से 52 तक जो आ रहा है यहाँ पर मीडियन क्लास होगा,
So 40 to 50 median class, 20 is the frequency, 32 plus A is the cumulative frequency. So formula apply करेंगे, median का formula होता है L plus, L का मतलब हो गया यहाँ पर 40, lower limit of the median class, N by 2, 50, फिर इसके बाद CF, CF का value आ गया यहाँ पर 32 plus A, और नीचे frequency होता है, frequency यहाँ पर 20, into H, H का मतलब होता है class height, that is 10. अगर आपको यहाँ पर formula समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको previous sum check करना होगा. क्योंकि मैंने ऑलरेडी तीन चार सम यहाँ पर सॉल्व कर लिया है. जो पहला वाला प्रॉब्लम था मीडियन का, वहाँ पे मैंने फॉर्मूला को डिटेल्स में लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा. या आप बुक भी चेक कर सकते हैं, एल एम और यहाँ पर सी एफ, एफ का मतलब आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर हम 40 लिखेंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 50 माइनस 32 माइनस ए डिवाइडेड बाई 20 और 10 कट देते हैं यहाँ पर 2. और देखिए मीडियन पहले से ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में 41.5. ओके 41.5 मीडियन, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 41.5. अब 40 को इस तरफ लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे 41.5 माइनस 40 और यहाँ पर इक्वल टू होगा 50 माइनस 32, 18 माइनस ए बाई 2. सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1.5 और राइट साइड में जो 2 था, 2 को इस तरफ लाके मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया. सो 3 इक्वल टू 18 माइनस ए, सो ए इक्वल टू 18 माइनस 3 एंड दैट वन इक्वल टू 15. सो ए का वैल्यू मुझे मिल गया 15. अब मुझे बी का वैल्यू निकालना है. अब देखिए यहाँ पर मैंने इक्वेशन वन में लिखा था, इक्वेशन वन में ए प्लस बी 32, सो 32 माइनस 15 एंड योर आंसर इज 17. ए इक्वल टू 15 एंड बी इक्वल टू 17. ओके सम नंबर 17 कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट वन सम नंबर 18. सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. In sum number 18, the following tables gives ages of 130 members. इसका मतलब total members से 130, मतलब total frequency. Age 20 से लेके under 25. अब देखिए 20 से लेके under 25 का मतलब होता है 20 to 25. इसके बाद 25 and under 30 मतलब होता है 25 से लेके 30 तक. फिर 30 से लेके 35 तक, 35 से लेके 40 और 40 से लेके 45 तक. ओके क्लास इंटरवल आ गया. अब मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखना है. फर्स्ट वन 2, सेकेंड वन कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क है. थर्ड वन 29, इसके बाद 43, लास्ट वन फिर से क्वेश्चन मार्क. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई लिख सकते हैं. सो इसको हम एक्स लेट करेंगे, इसको हम वाई लेट करेंगे. एक्स वाई का वैल्यू मुझे निकालना है. इसका मतलब जो मैंने सम नंबर 17 वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स, यहाँ पर 31 प्लस एक्स, यहाँ पर 74 प्लस एक्स और लास्ट में 74 प्लस एक्स प्लस वाई, दैट वन इक्वल टू एन. तो एन का वैल्यू 130 था, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके 130 लिखेंगे. x प्लस वाई आपको मिल जाएगा 130 माइनस 74, 56. ओके अब मुझे n बाई 2 निकालना है, क्योंकि n बाई 2 के ऊपर डिपेंड करेगा मीडियन क्लास. सो यहाँ पर 130 बाई 2 65. सो 65 कहाँ पर, इस इंटरवल के अंदर आ रहा है. इसका मतलब मीडियन क्लास हो गया 35 से लेके 40. ओके मीडियन क्लास 35 से 40, फ्रीक्वेंसी आपको लेना है 43 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर लिखना है 31 प्लस एक्स. तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आपको फॉर्मूला मालूम है, मीडियन इक्वल टू एल मतलब 35, एन बाई 2 65,
माइनस सी एफ मतलब 31 प्लस एक्स बाई एफ मतलब 43 और यहाँ पर क्लास हाइट 5। तो मीडियन यहाँ पर गिवन दिया हुआ है 37.33। सो मीडियन को लिखेंगे 37.33, फिर यहाँ पर 35, यहाँ पर 65 माइनस 31 माइनस एक्स बाई 43 इंटू 5। आप 37.33 से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.33 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 34 माइनस एक्स बाई 43 इंटू 5। तो 43 को इस तरफ लिखेंगे, 2.33 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 34 माइनस एक्स। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 20.038, दैट वन इक्वल टू 34 माइनस एक्स। सो यहाँ से x का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 13.96। ओके 13.96 आपका पहला वैल्यू यहाँ पर मिल गया। नाउ मुझे यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 13.96 आ गया, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 14। तो उस हिसाब से y का वैल्यू मिल जाएगा, x प्लस वाई कितना था, x प्लस वाई यहाँ पर 56 था। ओके x प्लस वाई 56, सो 56 से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 को एंड दैट वन इक्वल टू 42। तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चूज करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। सो 14 एंड 42 इज द आंसर। नाउ द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो, सम नंबर 19। The average monthly pocket money of 10 children is 38. Okay, average pocket money, 10 children, इसका मतलब total number of children 10, average pocket money 38 and median is 40, median equal to 40. What is the total amount of pocket money? अब total amount of pocket money के लिए total अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी, अब एवरेज दिया हुआ है 38 के साथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 380 इज द फर्स्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन नंबर टू, इफ द चाइल्ड गेटिंग हाईएस्ट पॉकेट मनी स्टार्ट रिसीविंग एन एडिशनल रुपीज 20 पर मंथ, व्हाट वुड बी द न्यू मीन एंड द मीडियन। अब देखिए रुपीज 20 पर मंथ में ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 380 के साथ रुपीज 20 आपको ऐड करना है। ओके क्योंकि यहाँ पर एडिशनल हो रहा है रुपीज 20, सो द टोटल अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी कितना आ रहा है, 400, कितना स्टूडेंट का, 10 स्टूडेंट का, इसका मतलब 10 स्टूडेंट का टोटल पॉकेट मनी एक महीने के लिए आ रहा है 400। अब यहाँ पर न्यू मीन, अब मीन के लिए मुझे क्या करना है, 400 बाई 10, सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 40। ओके अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहाँ पर मीडियन निकालना है। अब मीडियन के लिए देखिए यहाँ पर n दिया हुआ है 10, 10 का मतलब हो गया इवन, तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इवन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर मीडियन इक्वल टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन एन बाई टू प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन। ओके फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बाई सिक्स ऑब्जर्वेशन, अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 40, सिक्स भी 40, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को 40 करके मिल रहा है। ओके सो 40 प्लस 40 बाई टू दैट वन इक्वल टू 40, इसका मतलब मीडियन पहले जो था अभी भी सेम रहेगा। ओके सो मीडियन कभी चेंज नहीं होता, मीडियंस ऑलवेज रिमेन सेम।